गैस है लेकिन वो बॉयलर्स वगैरह के लिए है यहाँ पे, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह के हवाले से तो फैसिलिटीज को भी अवॉइड करनी थी और लैब के पर्पसेस के लिए सिलेंडर, क्योंकि पिछले दिनों गैस आपको मतलब बंद भी हो रही थी काफी दफा, मतलब इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो कभी आती है कभी आती है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं आप, है ना जी। अच्छा और कोई खास वजह नहीं है ना इसके लिए आओ, ये बुनियादी चीज नहीं बता आपको बताया वो कितनी होती है इसकी क्लियरशिप वैल्यू। हाँ आप क्लेम फोटोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो मैं गैस जला रहा हूँ उसकी क्लियरशिप वैल्यू इतनी है। जब तो आप इसका जो है वो जो आप इसमें लगाते हैं फ्लैम में पोटाशियम का सोडियम का क्या लगाते हैं हाँ सोडियम पोटाशियम ना जी लगाते हैं बेटा, तो आपको ये तो पता नहीं चलेगी क्या है, देखने से क्या काम बनेगा ये। अभी तो आपने हमें जूते बनाए ये बनाया और असल चीज का तो पता नहीं इसकी क्लैरिफिक वैल्यू जो आप इसको कहते हैं जो गैसेस इसके अंदर होती है ना वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है मीथेन गैस की क्लैरिफिक वैल्यू होती है 950 से 960 मैक्सिमम। ठीक है आप इसके अंदर जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो फ्लेम आपको डेवलप करना है उसकी क्लैरिफिक वैल्यू आपको चाहिए मोर देन 1800। कितनी 1800। ठीक है तो अगर आप मीथेन गैस इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्लेम की वो क्लैरिफिक वैल्यू नहीं होगी, तो सोडियम पोटेशियम जब आप चेक करेंगे तो उसकी वो रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेंगे नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें बेटा क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है ना ये कम से कम 1800 से ज्यादा क्लैरिफिक वैल्यू जिस गैस की होगी लाइक इसको कहते हैं एसिटाइलीन। ठीक है ना क्या कहते हैं आगे समझ लीजिए दोबारा पूछूंगा अगर नहीं बताया ना बहुत स्केल बढ़ेंगे। हाँ बता दो थोड़ी इधर क्यों रहो फिर कितनी उम्र है सर देखिए टीचर्स के आगे तो सभी नर्वस हो जाते हैं। कितनी उम्र है।